गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। आज हम टेंजेंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने लगी हैं। ये टेंजेंट्स वाले चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, अब हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में टेंजेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हैं और थ्योरम्स भी किए हैं। उन थ्योरम्स को ही यूज़ करके ये लास्ट तीन क्वेश्चंस प्रूव करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश टू टेंजेंट्स हैं, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। ए बी एक तीसरा टेंजेंट है जो सर्कल को किस पॉइंट पे टच करता है, सी पे। प्रूव करना है ए ओ बी 90 डिग्री, मतलब हमने ये एंगल जो है ये 90 डिग्री प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं। मैं ओ और सी को ज्वाइन करने लगी हूँ, उससे क्या होगा ये हम देखेंगे। देखिए, अब हमने ओ सी को ज्वाइन कर लिया, उससे ये सारे ट्रायंगल्स बन गए, एक दो तीन चार। ये आगे पूरा एक ट्रायंगल था, हमने उसको दो में बांट दिया। अब एक दो तीन चार ट्रायंगल्स बन गए, तो अब हम ये दो ट्रायंगल्स लेकर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये दो एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे, उसी तरह ये भी दो बराबर हो जाएंगे। फिर ये पूरा एंगल जो है ये स्ट्रेट लाइन पे है, तो 180 डिग्री का होगा और दो एंगल्स 90 के होंगे, तो यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ज्वाइन ओ सी। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करना है, हमने सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ओ पी ओ ए। मतलब मैं ये ट्रायंगल लेने लगी हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, अब ओ पी जो है ओ सी के बराबर है, क्यों, क्योंकि रेडियस है। ठीक है, और जो है ये ओ ए ओ ए दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन साइड लिख दी। अब तीसरी बात क्या है कि जो ए पी है ये ए पी ए सी के बराबर है, क्यों, क्योंकि हमने थ्योरम की है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू ए सी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यही हमने थ्योरम की थी, है ना, तो वो हमने यहाँ यूज कर ली। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए मेरे, कॉन्ग्रुएंट किस रूल से हुए, एस 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 से, साइड 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 तीनों है। ठीक है, अगर ये हो गए तो अब मैं यहाँ पे एंगल 1 2 3 और ये 4, ठीक है, नंबर डाल दिए, आप नाम भी लिख सकते हैं, मुझे नंबर इजी लगते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए, कैसे, सी पी सी टी के द्वारा हो गए। अब हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली इसी तरह ये एंगल 3 और एंगल 4 भी हो जाते अगर हम ये दो ट्रायंगल्स लेते। अब हमने ये दो ट्रायंगल्स लेके 1 2 बराबर कर दिए, अगर हम दोबारा से ये दो ट्रायंगल्स लें तो 3 4 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें दोबारा से प्रूफ करने की ज़रूरत है, हम सिमिलरली लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर पी ओ क्यू ये पूरी डायामीटर स्ट्रेट लाइन है तो इस पे ये सारा एंगल 180 का होगा, तो इसका मतलब 1 एंगल + 2 एंगल + 3 एंगल + 4 एंगल 180 का। ठीक है, अब हमने ए ओ बी 90 प्रूफ करना है, उसमें कौन से एंगल नंबर आ रहा है, 2 और 3 वाला, तो हम 2 3 यूज करेंगे। मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो इसकी जगह मैं लिखने लगी हूँ, और एंगल 3 मुझे चाहिए, एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है तो इसकी जगह ये लिखने लगी हूँ। ठीक है, अब ये एंगल 2 और एंगल 3 2 2 टाइम्स आ गए, तो ये एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 नीचे जाएगा तो कितना आ गया, 180 / 2 कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब एंगल 2 + एंगल 3 90 डिग्री आ गया। 2 3 का पूरा नाम क्या है, ए ओ बी, तो यही हमने प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था। ठीक है ना, इजी, देखने में डायग्राम देखने में लगता है कि पता नहीं क्या है, पर एक्चुअल में बहुत इजी है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहता प्रूव, इसकी डायग्राम मैंने पहले ही बना के रखी है, ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के था। ठीक है, कहता प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। ये सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट पी है, उससे दो टेंजेंट्स मैंने सर्कल पर ड्रॉ कर दिए। कहता इज सप्लीमेंट्री टू एंगल
एक्सटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। कहता वो टेंजेंट्स ने सर्कल को किन पॉइंट पे टच किया, ए और बी पे। कहता ए बी को आपस में ज्वाइन कर दिया एक लाइन से। अब हमने प्रूव करना है कि इस ए बी लाइन ने जो सेंटर पे सर्कल बनाया वो कौन सा है, ए ओ बी, और जो टेंजेंट्स के बीच में सर्कल बना वो क्या है, ये पी। अब हमने प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ए बी, इसने सेंटर वाला जो एंगल बनाया और टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनाया उनका सम कितने डिग्री है, 180 डिग्री। यही प्रूव करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने लिखा था कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमने थ्योरम की थी। अब हम ये पूरा क्या फोर साइडेड फिगर है, तो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल में ये चारों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है, 360। तो वही लेने लगे हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ 360 डिग्री है। ठीक है, अब ए और 360 है। अब ए और बी की वैल्यू तो 90 हमने लिखी हुई है, तो हमने वो फिल कर दी। तो इसका मतलब एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 360, 90, 90, 180। जब इस तरफ लेकर आए तो उसका साइन बदल गया, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री है, तो यही प्रूव करना था हमने कि एट द सेंटर और टेंजेंट के बीच में सम 180 होते, ये प्रूव करना था। ये हो गया हमारा, है ना, इजी। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसके आउटसाइड बाहरली साइड एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है और इस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सच दैट बी डी एंड डी सी इन विच, मतलब बी सी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक बी डी और सी डी में, जिनकी लेंथ 6 और 8 सेंटीमीटर है। अब कहता फाइंड साइड्स ए बी एंड ए सी, हमने ए सी और ए बी की साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं, हम ओ को ए से भी ज्वाइन करने लगे हैं। ठीक है, और इधर सी से हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इस टेंजेंट का वो हम करने लगे हैं, वो है मेरा ये रहा। इसी तरह इधर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाले को मैं बी से ज्वाइन करने लगी हूं, तो ये रहा मेरा। ठीक है, अब यहां पे मैं कुछ भी नाम लिखने लगी हूं, पी एंड क्यू, हो गया। अब देखिए, जब हमने ये लाइंस ड्रॉ की तो अब ये सारी जो ट्रायंगल है आगे फर्दर ट्रायंगल्स में डिवाइड होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गई। देखिए, अब ये सी एक्सटर्नल पॉइंट है, इसमें से सी पी और सी डी दोनों टेंजेंट्स हैं, तो इनकी लेंथ बराबर होगी, तो इसका मतलब ये भी 6 हो गया। इधर 8 है, तो ये भी 8 हो गया। अब हमें ये पता करना है, अगर ये मुझे पता चल गया तो दोनों को ऐड करके इसकी भी लेंथ आ जाएगी और इसकी भी, तो दोनों की वैल्यू तो सेम ही होगी क्योंकि ये भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है। तो मैंने इसकी मान लीजिए वैल्यू क्या रख ली, x, इनकी लेंथ x सेंटीमीटर मान ली। ठीक है, तो अब अगर ये x है तो ये पूरी साइड कितनी होगी मेरे पास, 6 प्लस x हो गई। इसी तरह इस साइड की वैल्यू पूरी कितनी हो गई, 8 प्लस एक्स, ये पूरी कितनी है, 8 प्लस 6 14 हो गई। तो अब अगर आपको याद हो 9th क्लास में हमने हीरोज फॉर्मूला किया था, क्या था हमारे पास हीरोज फॉर्मूला, देखते हैं, वो था हमारे पास एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट, वेयर एस क्या था मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये था ना। तो अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये लगाने लगे हैं। ठीक है, अब तो क्या है, एस इज इक्वल्स टू ए क्या मेरे पास, 6 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 14 बाय 2, यही आ गया। तो ये आ गया 2x प्लस 28 बाय 2, तो ये 2 को कॉमन निकाला x प्लस 14 बाय 2, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, x प्लस 14। अब एस ये आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं इस फॉर्मूले से, x प्लस 14 वैसे लिख लिया। अब x प्लस 14 माइनस ए कितना है, 6 प्लस x, तो ये लिख लिया। फिर x प्लस 14 माइनस बी कितना है, x प्लस 8। फिर x प्लस 14 में से c कितना है, 14, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आ गया मेरे पास, देखें,
एक्स प्लस 14 वैसे का वैसे, ये और ये कैंसिल कर दे तो कितना आ गया, 14 में से 6 गए 8, इधर एक्स एक्स कैंसिल हो गए, 14 में से 8 गए 6, इधर 14 14 कैंसिल हो गए एक्स, तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना आ गया 48x इंटू एक्स प्लस 14 का अंडर रूट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का आ गया। ठीक है, अब हम ये भी, ये एक तरीके से हमने ट्रायंगल हीरोज फॉर्मूले से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला तो ये आंसर आया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे तरीके से निकालने लगे हैं, जब दोनों तरीकों के आंसर इक्वेट करेंगे तो उससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्यों इक्वेट करनी है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों है तो इसका मतलब दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए ये जो ट्रायंगल है ये 6 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है, ये बराबर है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ट्वाइस, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ये है ट्वाइस एरिया, अब ये ट्वाइस है किस किस का ट्रायंगल, एओपी का, एओपी ट्रायंगल का एरिया के बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ऑब्वियसली ये दोनों में से एक ले लिया, ये इसका आएगा ट्रायंगल सी ओ डी प्लस ट्रायंगल डी ओ बी के बराबर है। ठीक है, अब हमने इनका एरिया कैसे लेना है, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है मेरे पास, अगर आपको याद हो जो सबसे बेसिक था वो क्या था, हाफ बेस एंड ऑल्टीट्यूड, यही था मेरे पास। ठीक है, अब हाफ तो सब में आ गया, हाफ इसका बेस क्या है, एक्स है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड क्या है मेरे पास, ये है ऑल्टीट्यूड, ये है उसका ऑल्टीट्यूड तो वो है ओपी, प्लस सी ओ डी ये रहा, इसका बेस क्या है, 6 है, हाफ इंटू 6 इंटू इसका ऑल्टीट्यूड क्या है, ओ डी, यही है, प्लस फिर डी ओ बी का क्या, हाफ बेस कितना है, 8 है, ठीक है, और ऑल्टीट्यूड का भी वही है ओ डी, यही आ गया। ठीक है, अब हाफ सबका कॉमन निकाल दिया तो ये बाहर आ गया एक्स, अब ओ पी उसने कहा कि रेडियस कितना है मेरे पास, 4 है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारे रेडियस है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4x प्लस ये 6 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4, क्योंकि हाफ तो बाहर निकाल दिया तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये 2 कैंसिल हो गए, ये आ गया 4x प्लस 6 4 24 प्लस 32, ये आ गया, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 4x प्लस 56 आ गया। ठीक है, अब ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो दोनों को हमने क्या किया, इक्वेट, तो इसको लिया 1 नंबर, इसको 2 नंबर, तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो दोनों की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, इसलिए हम इक्वेट करने लगे हैं कि 48x इंटू एक्स प्लस 14 अंडर रूट इज इक्वल्स टू 4x प्लस 56, यही है। अब इसको हम स्केयरिंग करने लगे हैं, जब स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, 48x x प्लस 14 अंडर रूट का स्केयर इज इक्वल्स टू, इसमें से 4 कॉमन निकाला तो 4 क्या आ गया, x प्लस 14 आएगा, तो इसकी स्केयरिंग कर दी। ठीक है, ये 4x प्लस 56 है, जब इसमें से हमने 4 कॉमन निकाल दिया तो वो क्या आ गया, 4 बाहर निकाला अंदर ब्रैकेट में, x 56 को 4 से डिवाइड किया तो 14, अब ये तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब कितना बचा मेरे पास, 48x x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 x प्लस 14 की ब्रैकेट का स्क्वायर, अब ये एक ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गई तो बच गया मेरे पास 48x is equals to 16x plus 14, यही बचा मेरे पास। ठीक है, यही बचता है, तो अब 16 को मैं इधर लेके जाती हूँ नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, 48 by 16x is equals to x plus 14, 16 के टेबल पे ये 3 पे गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना आंसर आ गया, 3x is equal to x plus 14, x इधर लेके गए तो उसका निशान बदल दिया, ये आ गया, ये 2x 14, अब 2 नीचे जाएगा तो 14 by 2 कितना आ गया, 7, ये आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू 7 आ गई, तो पूरी पूरी साइड्स की लेंथ निकाल सकते हैं। अब AC कितना है, x प्लस 6 था तो 7 प्लस 6 कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह AB कितना है मेरे पास, x प्लस 8 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 8, तो कितना आ गया, 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर आ गया, तो यही हमने पता करना था तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले 16 को नीचे लिया, आप पहले 16 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, पर इससे कैलकुलेशंस इजी हो जाती है इसलिए मैंने ऐसे किया।
ठीक है। तो ये था, हमने लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी, ए सी पता करनी थी, वो हमने पता कर ली। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।